अच्छा ये बताएं, खूबसूरत लड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपने कंप्यूटर में इंग्लिश पढ़ी है ना, खूबसूरत लड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपने नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा ना मैंने। ब्यूटीफुल गर्ल? नहीं। फिर क्या कहते हैं? आई लव यू। हाँ, खूबसूरत लड़की को यही कहा जाता है इंग्लिश में, आई लव यू। अब इसका जवाब दे आप। किस खुशी में? आप जवाब देना, मैंने आई लव यू बोला तो अब आप जवाब दे के बताएं ना कि इसका जवाब ये होता है। आप जवाब नहीं दे रही, आप पढ़ी लिखी नहीं हो यानी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। मैं हूं मेहरान और आज मेरे साथ फैसल भाई मौजूद है और ये आज प्रैंक में है। तो काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे यार फैसल काफ़ी टाइम से प्रैंक्स में नहीं आ रहा, तो मैंने कहा इनको स्पेशल प्रैंक में बुलाएंगे। स्पेशल प्रैंक को इसलिए क्योंकि आप लोगों को हमारे क्लासरूम प्रैंक्स बड़े पसंद आते हैं, लेकिन पिछली बार क्लासरूम के टीचर के साथ मैंने एक और प्रैंक कर दिया था, तो इस बार के टीचर के साथ भी एक प्रैंक करने वाला हूँ। मैंने ख़ास आप लोगों की खातिर उनसे बात की और मैंने उनको कहा कि हम आपको डिनर के लिए इन्वाइट कर रहे हैं आज, तो आप आइए यहाँ पे। और वो राज़ी हो गई और हमारा नसीब अच्छा था कि वो मान गई आने के लिए। तो लेकिन सिर्फ डिनर नहीं होगा, उसके साथ प्रैंक भी होगा और प्रैंक में हमें फैसल भाई आज मदद करेंगे। तो आप रेडी हो भाई? मैं फुल टाइम तैयार हूँ, 100 की स्पीड में। अच्छा डन हो गया भाई, फिर वो अभी उनसे कॉल करके पूछता हूँ कब यहाँ पे आएंगी, फिर उनके साथ करते हैं प्रैंक। ठीक है, यहाँ नहीं आएगी तो घर जाके कर लेंगे हम। नहीं नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, लेकिन प्यारी बहुत है मैं आपको बता दूँ। ना कर यार, नाजुक सा दिल है हमारा। हाँ मैं बता रहा हूँ, पिछले जितने टीचर से सबसे प्यारी है ये। ना करो। हाँ फिर किसी और से करवा ले भाई। क्यों? मैं पता ना, हुसन मेरी कमजोरी है। अच्छा तो खुद ही कमजोर है भाई, अभी उनसे बात करते हैं, प्रैंक को कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। A few moments later. जी तो मेरी उनसे अभी भी फ़ोन पे बात हुई और कैमरा वगैरह हर चीज़ हमने सेट कर दी है। मैं भी जा रहा हूँ नीचे उनको लाने और आप तैयार हो भाई? ओके मेहरान भाई, शुरू करते हैं, मैं उनको लेकर आता हूँ। A few moments later. ये मेरे दोस्त हैं फैसल, ये आज हमारे साथ ही हैं, आप प्लीज़ वहाँ बैठ जाएं प्लीज़। रियली सॉरी यार, आपको ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा यार? ऐसा कैसा होता है, आप लेने भी नहीं आए, ड्राइव करा दिया। यार मैं लेने आ जाता लेकिन सच बताऊं तो आज मैं खुद बाइक पे आया हूं, मेरी गाड़ी गई हुई है कहीं पे, इस वजह से मैंने कहा यार बाइक पे इनको लाना अच्छा नहीं लगेगा यार, बिल्कुल, इसीलिए मैंने इनके लिए गाड़ी भिजवाई। यहाँ पर माहौल वैसे भी अलग है, जब मर्द है ना अकेला निकलता है ना तो दूसरी औरतों को देखता है, और जब अपनी औरत लेकर निकलता है ना तो वो दूसरे मर्दों को देख रहा होता है। माहौल ऐसा है ना, क्या करें? बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी थैंक यू सो मच कि आप हमारे बुलाने पे आई। अगर आप क्या खाना चाहेंगी बताएं, अगर यहाँ कुछ खाना है तो यहाँ खाएंगे, कहीं और चलना है कहीं और चलेंगे, आप सिर्फ बताएं खाना क्या है आपको। नहीं नहीं मर्जी, आप ही कुछ भी मंगा लें। आपको क्या पसंद है खाने में वैसे? मुझे खेकड़े का सूप। खेकड़े का सूप? हाँ हाँ लोगों को पसंद होता है ये भी। मुझे आपको क्या पसंद है? बटेर, बटेर की बिरयानी भी है। कैसे कैसे नहीं, मजाक कर रहे हो या मतलब हर चीज़ अवेलेबल है? आप बताएं आपको क्या पसंद है। मुझे ऑलमोस्ट बिरयानी। और बस बिरयानी? इतना चिकन या बीफ? चिकन। और क्या बर्गर वगैरह नहीं पसंद? नहीं, नहीं, नहीं। क्यों, पिज़्ज़ा बर्गर ये नहीं पसंद? लोग ये लड़कियों को काफ़ी पसंद है। पिज़्ज़ा भी है, भिंडी वाला पिज़्ज़ा भी मिलता है। वो क्या होता है? वो आप ही खाएं। वो कैसा पिज़्ज़ा? मार्केट आलू की तरह होता है ना, किसी भी सालन में डालो हर चीज़ में एडजस्ट हो जाता है। औरत भिंडी की तरह होती है, किसी में एडजस्ट ही नहीं होती, अकेले ही पकती है। अच्छा ये बात तो सही है यार। तो आपके लिए क्या बिरयानी मंगाए, पिज़्ज़ा मंगाए, आप बताएं? बिरयानी मंगाए। अच्छा बिरयानी, लेकिन ये मसला ये है कि यहाँ पे जो वेटर्स हैं ना वो सारे नीचे हैं, मुझे ही जाके बुलाना पड़ेगा किसी वेटर को। मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं मैं बोल लेता हूँ, कोई मसला नहीं, मैं बोल के आता हूँ उनको। ओके आपके लिए, और आपके लिए आप क्या खाओगे आप तो बताओ मुझे। आप दोनों जो खाओगे उसमें से बचेगा, मैं खा लूँगा। ठीक है, मैं कुछ भी लिया आपके लिए, मैं अपनी मर्जी से कुछ मंगवाता हूँ, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। मुझे नाम क्या आपका पूरा? उजाला। उजाला अच्छा नाम है, मुझे अंधेरा कहते हैं प्यार से। नहीं नहीं, एक प्यार प्यार से लोग कहते ना, ये जगह सही है। नहीं नहीं ऐसी वहाँ पे कूलिंग आ नहीं रही थी ना, इसलिए मैं यहाँ बैठ गया। शादी कब है आपकी? जो आपको आना मेरी शादी में। मैं फंक्शन करता हूँ ना। अच्छा, क्या? अच्छा। जो सेटअप वगैरह लगते हैं शादी के वो? जी 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 बिल्कुल, माइयों का प्रोग्राम हो, मैयत में रोने के लिए लोग चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। जनाजे में होता है ना बाज़ औक़ात औरतें रोने के लिए चाहिए तो वो भी होता है हमारे पास। चाहिए होती है ये बहुत, बाज़ औक़ात होता है ना कि जनाजे में कोई रो रहा नहीं होता। ऐसा कब होता
अरे हमारे में तो कभी नहीं, नहीं हमारे पास लोग होते हैं, जैसे एक्टिंग के लिए लोग जनाजे में बैठने वाले लोग मिल चाहिए होते हैं, वो भी देते हम। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। अच्छा वैसे आप अपने हुस्न का सदका देती है, हुस्न का सदका देती है आप? कौन सा हुस्न का अपने सदका देती है आप? नहीं नहीं दिया करो। पता है कैसे देते? किसी कुंवारे को देख के मुस्कुरा दिया करो, हंसो मुझे देख के हंसो। आप कुंवारे? क्या आप कुंवारे? हाँ हाँ अभी तक सील पैक पन्नी पैक 6 महीने वारंटी के साथ। आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। मैंने आपसे पूछा। अच्छा नंबर तो दे आप। कहाँ रह गए? वो तो आ जाएगी, नंबर तो दो। हेलो उजाला, नंबर तो दो, बात करता हूँ ना मैं। किस लिए? मेरे 2-3 मॉडलिंग एजेंसी में रबते हैं, अगर मैं आपको वहाँ मॉडलिंग के लिए करवा दूँ। नहीं नहीं मैं टीचिंग करती हूँ, मेरे लिए वही काफी। टीचिंग करती हो? जी जी। अच्छा मुझे 9-10 के एग्जाम दोनों मुझे पढ़ाओ की। आप 9-10 के एग्जाम देंगे? वो कच्ची पहली के तो आपको देख के लग तो नहीं रहा कि आप 9-10 के? नहीं देना चाहूँ ना, मैंने 4 क्लासें पढ़ी थी, उसके बाद मैंने पढ़ी नहीं। अगर मूड हो पढ़ने का पढ़ा दो की। जी आप कोचिंग सेंटर आ जाइएगा हमारे, वहाँ पढ़ा दो। नहीं नहीं आप पढ़ाओ, कोचिंग में तो पता नहीं कौन सा बुड्ढा बुरा मिल जाएगा, आओ बैठो इधर बुखे निकालो। मैं कोचिंग में होती हूँ, वहाँ पढ़ाऊंगी। आप पढ़ाओगी? जी जी। अरे वाह फिर तो नंबर तो सही। तो नंबर किस लिए चाहिए? आप कोचिंग में आगे बात करिएगा, एडमिशन लिएगा और मैं पढ़ा दूंगी बस। अरे नहीं वो रिसेप्शन पे मोटी मोटी औरतें बैठी होती है, डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूँ ना मैं। आप मुझे फीस बताए क्या चार्जेस हो गए आपके मंथली? 9-10 मुझे साइंस में पढ़ना है और मुझे ऑपरेशन करना सीखना है कि ऑपरेशन होते कैसे, मेंढक का ऑपरेशन करूं, छिपकली का ऑपरेशन करूं, ये काम करना। नहीं नहीं मैंने साइंस में नहीं पढ़ाती, मैं साइंस में नहीं पढ़ाती। तो किस में पढ़ाओगी? मैंने कंप्यूटर साइंस में पढ़ा। हाँ तो कंप्यूटर साइंस भी मैं पढ़ लूँगा, मतलब तो ये अंदाजे से कर लेंगे हम लोग। चले आप कोचिंग आ जाइएगा देख लेंगे। नंबर तो दें आप, मेरा ना आ जाएगा जल्दी कर लें जल्दी। नहीं सॉरी मैं नंबर नहीं दे सकती आप। प्लीज नहीं मैं नंबर नहीं। अरे दे दे क्या हो जाएगा? नहीं दे सकती ना मैं नंबर आपको, किस लिए दूँ? तो बातचीत बढ़ेगी ना, दोस्ती आहिस्ते आहिस्ते बढ़ेगी ना, कि उसमें उजाला। नहीं मैं नहीं दे सकती। कितना अच्छा लगेगा ना, उजाला अंधेरा दोनों का नाम एक साथ जुड़ा हुआ होगा शादी कार्ड में। देखिए मैं सीरियस हूँ, आइए मैं सीरियस, मैं मजाक नहीं कर, शादी के लिए भी मैं सीरियस हूँ। अगर कार्ड छपेगा तो उजाला विद अंधेरा, बली मा 6 फरवरी, कौन सा कुतियाना बैन क्यूट अंधेरा कौन है? अंधेरा मैं हूँ, आप उजाला है ना, मुझे प्यार से अंधेरा कहते, फैसल अंधेरा। वहाँ जाके बैठ जाएं आप प्लीज। क्यों बैठ जाएं प्लीज? मैं चली जाती हूँ। अच्छा अच्छा मैं। अच्छा ये बताएं खूबसूरत लड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपने कंप्यूटर में इंग्लिश पढ़ी है ना, खूबसूरत लड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यों आपको नहीं पता? आपने नहीं पढ़ा क्या? फिर भी आप मुझे बताएं ना। आपने नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा ना मैंने। ब्यूटीफुल गर्ल? नहीं। फिर क्या? आई लव यू। खूबसूरत लड़की को यही कहा जाता है इंग्लिश में, आई लव यू। अब इसका जवाब दे आप। किस खुशी में? आप जवाब देना, मैंने आई लव यू बोला तो आप जवाब दे के बताएं ना कि इसका जवाब ये होता है। आप जवाब नहीं दे रही, आप पढ़ी लिखी नहीं हो यानी। जी यही समझ लें आप प्लीज। एक्सक्यूज मी, क्या मसला है आपके साथ? आपसे नंबर मांग रहा हूँ मैं, मेरा ना आ जाएगा जल्दी। तो किस लिए नंबर चाहिए? बातें करेंगे हम। क्यों करेंगे? मुल्क के मसाइल पे, महंगाई बहुत हो गई है, आपकी लाइट आ रही है नहीं आ रही है, मेरी 3 घंटे से गई हुई है, आपकी कितनी देर में आएगी, आज तुमने क्या पकाया, मेरी माँ ने टिंडे पकाए, तुम्हारी माँ ने भिंडी। मुझे शौक नहीं है ये सब बातें करने। तो फिर मोहब्बत की बातें करेंगे। मसला क्या है आपके साथ? मेरे पेट में दर्द है, इलाज भी करती हूँ, यहाँ पे साइड पे 2 दिन से दर्द हो रहा है, डॉक्टर बोले थे पानी ज्यादा पीना, हाथ लगाना पतली तो नहीं हो गई है? आपने कंप्यूटर में साइंस किया ना, तो मैं डॉक्टर नहीं बनी हूँ कंप्यूटर में। दो रुपये मूँ गई भैंस पानी में। आपके अब्बू क्या जॉब करते हैं? क्यों आपको उससे क्या लेना देना? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। भाई कितने आपके? मैं इकलौती हूँ। ओह वाओ, यानी जेस भी ज़्यादा मिलेगा। अब्बू जॉब क्या करते हैं? क्यों किस लिए आपको क्या करना है? पूछ रहा हूँ मैं, मोबाइल कौन सा आपका?
हाँ मैंने देख लिया 12,000 रुपया है, महंगा वाला है मेरा 39 का। खैर है अब दो कपड़ों में भी आपको दे देंगे, आपको ही दे रहे हैं मुझे, यही मेरे लिए भाई से फख्र की बात है कि इस कोयले को यह खूबसूरत रेवड़ी मिल जाए। जी किस किस्म का मजाक? किस किस्म का मजाक है, ये प्यार और मोहब्बत की बातें हैं जो आप जाके किसी और के साथ करें। आप देखें मेरे इतने इकरार करने पे मान नहीं रही। आप मेरा दिमाग मत खराब करें प्लीज, आप वहाँ जाके बैठ जाएं या चले जाएं। अच्छा आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं हर किसी लड़की को प्रपोज नहीं करता, खुश नसीब होती है वो लड़कियाँ जिन्हें कोई प्रपोज कर देता है फिर उनकी शादी हो जाती है, आपकी और मेरी शादी होगी धूमधाम से, छोटे छोटे बच्चे हो गए 15-20, किसी की चड्डी होगी तो जिसकी बनियान नहीं होगी, किसी की बनियान होगी उसकी चड्डी नहीं होगी, मोहल्ले वाले भी देख रहे होंगे अबे क्या मजाक लगाया हुआ है, गुस्से में क्यों देख रही हो? जी कैसी फालतू बातें कर रहे हैं आप? फालतू बातें क्या यार, मैं देखो घुमा फिरा के मैं बात नहीं कर रहा, सीधा मुद्दे पे आओ, शादी करोगी मुझसे? दिमाग दिमाग ठीक है आपका? हाँ सबर करें, मैं मेहरान को कॉल करती हूँ, पता नहीं किस पागल को बुला लिया है। अच्छा गर्लफ्रेंड बनोगी? गर्लफ्रेंड बनोगी मेरी? हेलो गर्लफ्रेंड बनोगी? कहाँ है आप, किस पागल को बुला लिया आपने? जल्दी आ जाए। गर्लफ्रेंड बनोगी मेरी प्लीज यार, नंबर दो, नंबर दो जल्दी, वो आ जाएगा जल्दी, दो जल्दी, दो जल्दी नंबर 03 पीछे जल्दी 03 अरे नंबर मांग लो जल्दी 03 पीछे हो जा, फेंक दूंगी मैं गरीब का मोबाइल। अच्छा मेरा मोबाइल, एक मिनट मैं आपका फेंक दूंगा, फेंको फेंको फेंको, एक बात की है तो मैं भी ये ना फेंकू ना अपने बाप का, नहीं फेंको जल्दी दो नंबर, नहीं मैं नहीं दे रही, नंबर दो, नंबर दो अपना, नंबर दो अपना, नंबर दो भाई। क्या हो गया यार, क्या हो रही है, दिमाग खराब करके रखा है, किसे बुला लिया आपने, क्या किया इसने, कब से मुझे आई लव यू बोल रहे हैं बैठ के? क्या अबे यार मेरा समझा अपनी जबान में, इस तरह थोड़ी होता है, आई लव यू बोल रहे हो? अरे मैंने नहीं बोला, मैं क्या पढ़ी यार मुझे आई लव यू बोलने की, मेरी खूबसूरत बीवी है, 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, मुझे क्या बोल रहे हैं ये आप, देखो इल्जाम लगा रही हो, तो मैं नहीं लगा रही, नहीं बीवी बच्चे तो इसके हैं मुझे पता है, मैं क्यों बोलूंगा आपको आई लव यू, आपका दिमाग सही है? बोला है आपने मैं पागल दिख रही हूं? होगी पागल, बोलिए आपको एक टाइम से देख रही हूँ मैं, मेरी पूरी फैमिली आपको पसंद करती है, आपकी कॉमेडी तो आई लव यू, उन्होंने आपको आई लव यू बोला, आपने इतनी शक्ल देखी है, मैं इस शक्ल को बोलूंगी आई लव यू? ये शक्ल और ये शक्ल एक साथ डालो ना पता चल जाएगा लाइक किसको ज्यादा आएगा, इतनी मार्केट है मेरी, आई लव यू आई लव यू, बताओ यार कह रहे हो कि इसने, मुझे समझ नहीं आ रही बात, मुझे क्लियरली समझाओ, आप ये कहना चाह रहे हो कि इसने आपको प्रपोज किया है? ये झूठ बोल रहे हैं, प्रपोज किया आप गए, देखो आप गलत बात नहीं करो, आप एक्सेप्ट कर लो, मैं शादी नहीं कर सकता, मैं क्लियर बता दूं, मैं ऑलरेडी शादी नहीं कर सकता, आप दूर रख के बात करो, मैं लड़की होते तमीज से इज्जत के दायरे में, वहाँ से उठ के यहाँ आगे बैठ गए क्यों? अच्छा? अरे मुझे कह रही है तो ये पासले अच्छी बात नहीं, एक दिन तो हमें एक होना है, इधर आके बैठो, अस्तग़फ़िरुल्लाह कितना कितना झूठ बोल रहे, कितना यार मेहरान संभाल, मेहरान देख मैं फासले क्या, कौन से फासले, ये कह रही है वो फासले दूर दूरियां मिटाओ, करीब आके बैठो, क्यों बोलूंगी मैं आपको, आप हाथ संभालो अपना, मेरा भी हाथ उठ सकता है लेकिन मैं लेडीज का एहतराम करता हूँ, मेरी माँ ने मुझे ये तरबियत नहीं दी, ठीक है कि मैं किसी लेडीज पे हाथ उठाऊं, बहुत अच्छा एहतराम कर रहे थे आप यहाँ बैठ के, अरे भाई तू उसको यहाँ पे बैठ के खाना खिला, मैं नीचे खाना खा के जा रहा हूँ यार, ये मसला हल करना पड़ेगा ना, क्या हल करूँ यार, वो लड़की पीछे पड़ गई है, ये कब से मेरा दिमाग खराब, ये कह रहा आपने प्रपोज किया, वो झूठ बोल रहे हैं, मैं क्यों झूठ बोलूंगा यार, मैंने कभी ऐसी हरकत की है, कभी की नहीं इसने ऐसी हरकत, तो अब करती है ना, मुझे क्या पता, मैंने तो उसको कितनी दोस्तों से मिलवाया, इसने आज तक ऐसा नहीं किया, छोड़ूंगी नहीं मैंने, देखिएगा जरा, मैं एक बात बताओ, आप इनको सॉरी बोलो बस बात खत्म, मैं किस लिए सॉरी, आप इनका साथ दे रहे हैं, तो आपने प्रपोज किया ना इनको, मैंने नहीं किया, उन्होंने प्रपोज किया, अरे तूने किया, बोले हमारे छोटे छोटे बच्चे हो गए 10-12 बड़ा, आराम से हाथ दूर रख के बात करो, नहीं नहीं इसको मोहब्बत हो गई, मेहरान ये पागल हो गई है मेरे इसमें, अब देखो मेहरान अपनी जबान में समझ, हाथ टच नहीं करो, दूर दूर रह के बात करो, आता भाई नहीं करो, जब आप एक्शन ले रहे हो मैं देखें इनके साथ करती क्या हूं, क्या करूं, सबर करें, अरे एक मिनट बात सुनो, बात सुनो एक मिनट, एक मिनट बात सुनो, इसी बात से कैमरा लगा है वो टेबल के नीचे, देखिए हमने कैमरा फिट किया, हम प्रैंक कर रहे थे आपसे, तो ये कौन सा मजाक यार, आप हर जगह चप्पल पहन रहे हो, इसने लगाया मैंने नहीं लगाया, वो टेबल के नीचे देखो प्रैंक कर रहे थे और बैठे हो, पहले हमने स्कूल में भी यही किया, सॉरी रियली बैठे मैं माजरात के साथ बैठ जा बेटा, ये फैसल ने मेरे कहने दीजिए, ये माइक लगा हुआ है, ये मेरे ही कहने पे हुआ था प्रैंक, वरना मैं भी बोलने वाली थी कैसे लोगों को बुला दिया, अच्छा मैं समझा ये बोलने वाली थी आई लव यू टू,
चलिए हम मुस्कुरा के हाथ दिलाएं। मजाक कर रहे थे, आप नाराज तो नहीं है? पक्का आपको जो अभी बिरयानी भी खिलाएंगे पिज्जा भी खिलाएंगे, मगर ऐसा नहीं होता यार। आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। आप ये वीडियो यूज कर सकते हो चैनल में, पक्की बात है। बाकी अगर सच में इसने आपको प्रपोज किया हो तो आप ना ही कहते? कुंवारा होता फिर तो मान जाती ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। फिर भी नहीं, ये नहीं पूछता कम से कम तसल्ली रहती तुझे? पूछ के तसल्ली दिल ही खराब कर दिया हमारा। कैमरे में जरा मुस्कुरा के हाथ।